उद्धव बालासाहेबगढ़ शिवसेना ने यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट पर पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री संजय देशमुख के रूप में अपना लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अब आलम यह है कि अपनी पार्टी को छोड़कर कई कार्यकर्ता संजय देशमुख से जुड़कर उद्धव बालासाहेब ठाकरेगढ़ शिवसेना का दामन थाम रहे। पेश है दिग्रज संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य भर में राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी है। खास बात यह है कि अब तक सत्ताधारी गुट की ओर से यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा तक नहीं की गई है, जबकि दूसरी तरफ वाशिम यवतमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रत्याशी संजय देशमुख का टिकट न सिर्फ फाइनल हो चुका है, बल्कि उनके साथ अब अन्य दलों के कार्यकर्ताओं भी बड़ी संख्या में जुड़ने लगे हैं। सोमवार को शिंदे गुट के पालक मंत्री संजय राठौड़ के मुस्लिम खाटिक समाज के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट का दामन थाम लिया। सोमवार को लोकसभा प्रत्याशी संजय देशमुख की प्रमुख उपस्थिति में और मुस्लिम खटिक समाज के जिलाध्यक्ष वजीर कोतमीरी की अगुवाई में एजाज घोंगड़े, हाफिज घोंगड़े, शाहरुख घोंगड़े, बाबा भाई घोंगड़े, गुड्डू घोंगड़े आदि सहित युवाओं के साथ कुल 20 लोगों ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट में प्रवेश कर लिया है। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री संजय देशमुख ने सभी मुस्लिम खाटिक समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। हम आज उद्धव साहब के गढ़ में नेतृत्व में हम प्रवेश लिए और संजय भाव देशमुख के साथ भी प्रवेश लिए और मैं मेरे समाज के सब लोगों के साथ और गांव के भी कई लोग मेरे साथ है उसमें प्रवेश ले लिया हम लोगों ने। अपन संजय देशमुख ला जुड़े मानस आहो आणि मेहनती लोग आहो। हम ज्या कार्यकर्ता जितकी भी है जितकी भी खाटिक समाज है आणि 250-300 लोग आम्ही संपर्क देशमुख साहेबांच्या संपर्क मध्ये झालेले आहो। हो यांचा काम चांगला आहे, माणूस चांगला आहे, सगळे काम चांगले आहे आणि आम्ही वजी मामाला सहकार्य करून आम्ही समोर टाकणार आहोत। बस धन्यवाद। इस मौके पर महंत सुनील महाराज, हामिद खान, रुस्तम पप्पू वाले, सलीम भाई, दादू वाले, अनवर घोंगड़े, रिजवान नौरंगाबादे, हुसैन बालापुरे, चांद पप्पू वाले, अब्दुल गफ्फार, बबलू पठान, वकी मक्तेदार आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को उद्धव बालासाहेब गुट के प्रत्याशी संजय देशमुख यवतमाल में लोकसभा दावेदारी का पर्चा भरने जा रहे हैं। जानकारों के नजरिए से देखा जाए तो ऐसे वक्त में अन्य दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़ने की बात संजय देशमुख की लोकसभा की मजबूत दावेदारी के संकेत के रूप में उभर कर सामने आ रही है। NBC News के लिए दिग्रज से जुबैर खान की रिपोर्ट।